शेख सिंगला, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको गाना सिखाने वाला हूँ, सोनी ओ। सो गाइस, ये राइज द मिस्ट्री मूवी का गाना है, ठीक है, और सोनू निगम ने इसको गाया था। सो गाइस, इसके हम बिल्कुल इजी कॉर्ड्स करेंगे, ठीक है, ताकि बिगिनर्स भी इसको आराम से बजा सकें और गा सकें, ठीक है। सो गाइस, हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैपो फर्स्ट फ्रेट के ऊपर रखेंगे, ठीक है। कैपो फर्स्ट फ्रेट के ऊपर रख के हमारे कॉर्ड्स इसमें कौन कौन से लगते हैं, वो है सबसे पहले जी मेजर, ई माइनर, ठीक है, सी मेजर, डी मेजर, और गाइस एक हमारा ए माइनर भी लगेगा इसके अंदर, ठीक है। कुछ कुछ जगहों पे ए माइनर भी है गाइस। एक बार तो स्ट्रमिंग पैटर्न भी देख लेते हैं क्या है। स्ट्रमिंग पैटर्न जो मैंने इसका यूज़ किया है वो है डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप, ठीक है गाइस। सो बहुत ईजी स्ट्रमिंग पैटर्न है, कुछ ज़्यादा नहीं है, मुश्किल नहीं है। अगर आपने चक वाला करना है तो चक के जब डाउन स्ट्रोक आता है उसमें चक कर दे, जैसे डाउन चक अप अप चक अप डाउन चक अप अप चक अप, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी बिगिनर्स के लिए डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन, ठीक है गाइस। तो चलिए गाना शुरू करते हैं गाइस। जो हमारी सबसे पहले लाइन है वो है राहों में तनहा हूँ साथ ले चल यूं। सो गाइस, सबसे पहले क्या करना है आपको, जी को लगाना है, उसके बाद आपको स्ट्रमिंग शुरू करनी है, फिर ई माइनर, साथ ले चल यूं, ठीक है, जी ई जी, उसके बाद संग तेरे सफर के लिए ए माइनर आ जाएगा, संग संग तेरे सफर पूरा करूं, पूरा करूं पे जी मेजर, पूरा करूं, फिर आगे एंडिंग के लिए डी माइनर करना, डी मेजर करना, ठीक है गाइस। पूरा पूरा करो, आगे दोबारा से वही चीज, राहों में तन्हा हूं साथ ले चल, फिर गाइस आपको क्या करना है, जो अगला स्टैंजा है ना पूरा करूँ वाला, उसके अंदर जी के ऊपर ही करना है, डी के ऊपर नहीं जाना, ठीक है। जैसे आपने एंडिंग पहले वाले के अंदर डी पे एंड किया था, इसमें पूरा करूँ जी पे ही होगा, जैसे संग तेरे सफर पूरा करूँ, ठीक है। उसके बाद एकदम से क्या कहूँ, सी मेजर पे, क्या कहूँ बड़ा सा जी, फिर तू है मेरी सांस के लिए क्या करना है, जी पर रहने देना, ठीक है। तू है मेरी सांस रहना तू पास, सी हर घड़ी के लिए गाइस, दोबारा से जी, हर घड़ी, ठीक है गाइस। फिर गाइस जो हमारा अगली लाइन है, तू दे दे मेरा, ये इस यहाँ पे ई माइनर आएगा गाइस, ठीक है। तू दे दे मेरा साथ भी, पैटर्न क्या रह रहा है इसमें,
तू दे दे मेरा साथ, डी पे थाम दे हाथ, चाहे सी मेजर चाहे जो भी हो। फिर गाइस जो हमारी आखिरी लाइन है, तू बस ए माइनर, तू बस दे दे डी मेजर मेरा साथ, तू बस दे दे मेरा साथ। अगे जी भी आ जाएगा, ठीक है? तो ए माइनर डी और फिर जी। सो गाइस मैंने गाने के अंदर जो मैंने शुरुआत में कवर किया है उसके अंदर मैंने सोनियो नहीं कवर किया। अगर आपको सोनियो करना है जैसे, तो वो आपका कहाँ से शुरू होगा? जी मेजर से, ठीक है? सोनियो ओ सोनियो तुम्हें देखता हूँ तो सोचता बस ठीक है। तो मतलब आपको कैसे शुरू होगा? जी जी पे दो बार स्ट्रम करना है, फिर ई माइनर, फिर जी, फिर सी, फिर डी, देन अगेन जी। जो अगली लाइन है उसके अंदर भी यही बजेगा गाइस, ठीक है? सो गाइस ये आपका लेसन हो गया पूरा, ठीक है? प्रैक्टिस करो गाइस इसको, बहुत इजी मैंने कोर्स बना दिए हैं। एक्चुअली ये थोड़े हाई स्केल में है, ठीक है? अगर आपको ओरिजिनल स्केल में करना है तो आप एक फ्रेट ऊपर कर दो, ठीक है? आप सेकंड फ्रेट के ऊपर कर दो, ठीक है? जो सोनू निगम ने असली में गाया है, ठीक है, वो थोड़ा हाई स्केल में है। और कोर्ड्स यही लगाना, ठीक है? कोर्ड्स यही लगेंगे सेम जो मैंने आपको बताया है। मैंने इजी थोड़ा करने के लिए थोड़ा नीचे ऑक्टेव में कर दिया इसको, ताकि मैं इजीली आराम से गा सकें, ठीक है? सो गाइस ये गाना था, और प्रैक्टिस करो, हो जाएगा आराम से। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।